नमस्कार, आप देख रहे हैं जीआईसी एजुकेशन। जीआईसी एजुकेशन के सभी वीडियो को देखने के लिए आप ब्राउज़र में टाइप करें youtube.com/GIC Education। जीआईसी एजुकेशन के आज के इस वीडियो में आपको 13 सितंबर 2018 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में बने घंटी के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको नए वीडियो आसानी से मिल सकें। अगर आप इस करंट अफेयर्स वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बिहार और किस देश के बीच बस सेवाओं को ध्वजांकित किया गया है? पहला विकल्प चीन, दूसरा विकल्प श्रीलंका, तीसरा विकल्प पाकिस्तान, चौथा विकल्प नेपाल। तो हाल ही में बिहार और नेपाल के बीच बस सेवाओं को ध्वजांकित किया गया। इस क्वेश्चन का विकल्प डी सही है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत और यूएस संयुक्त युद्ध अभ्यास 2018 कहां शुरू किया जाएगा? पहला विकल्प नई दिल्ली, दूसरा विकल्प पुणे, तीसरा विकल्प उत्तराखंड, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत और यूएस संयुक्त युद्ध अभ्यास 2018 उत्तराखंड में शुरू होगा। इस क्वेश्चन का विकल्प सी सही है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में मोबाइल प्लेटफॉर्म ई रायथू या इसे बोलते हैं ई किसान किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? पहला विकल्प दिल्ली, दूसरा विकल्प आंध्र प्रदेश, तीसरा विकल्प राजस्थान, चौथा विकल्प असम। तो हाल ही में ई रायथू मोबाइल ऐप या ई किसान मोबाइल ऐप ई किसान मोबाइल ऐप आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का विकल्प भी सही है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में काफ़ी उत्पादों के लिए काफ़ी कनेक्ट टेक्नोलॉजी की शुरुआत किसने की है? पहला विकल्प केंद्र सरकार, दूसरा विकल्प नीति आयोग, तीसरा विकल्प विदेश मंत्रालय, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में काफ़ी उत्पादकों के लिए काफ़ी कनेक्ट टेक्नोलॉजी की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। इस क्वेश्चन का विकल्प ए सही है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में वेब पोर्टल रेल सहयोग किसने लॉन्च किया है? पहला विकल्प नरेंद्र मोदी, दूसरा विकल्प पीयूष गोयल, तीसरा विकल्प अरुण जेटली, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में वेब पोर्टल रेल सहयोग रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का विकल्प बी सही है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? दूसरा विकल्प पहला विकल्प लखनऊ, दूसरा विकल्प भोपाल, तीसरा विकल्प दिल्ली, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का विकल्प भी सही है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? पहला विकल्प नई दिल्ली, दूसरा विकल्प तेहरान, तीसरा विकल्प काबुल, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन काबुल में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का विकल्प सी सही है। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे लंबे रेल सड़क पुल बोगीबील को किस नदी पर बनाने की घोषणा की गई है? पहला विकल्प ब्रह्मपुत्र, दूसरा विकल्प गंगा, तीसरा विकल्प यमुना, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत के सबसे लंबे रेल सड़क पुल जिसका नाम है बोगीबील, इसके निर्माण के लिए ब्रह्मपुत्र पर बनाने की घोषणा की गई है। इस क्वेश्चन का विकल्प ए सही है। नौवां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स को तेलुगु वर्जन किसने लॉन्च किया है? पहला विकल्प प्रकाश जावड़ेकर, दूसरा विकल्प सुषमा स्वराज, तीसरा विकल्प नरेंद्र मोदी, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का तेलुगु वर्जन प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जारी किया गया है। इस क्वेश्चन का विकल्प ए सही है। दसवां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया है? पहला विकल्प ओडिशा, दूसरा विकल्प उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प बिहार, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ओडिशा राज्य के द्वारा विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। इस क्वेश्चन का विकल्प ए सही है।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।